फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छठ पूजा के तीसरे दिन और चौथे दिन का जो प्रसाद होता है, वो प्रसाद में ये सभी फल होते हैं और ये फलों को ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसमें नारियल, नींबू, स्टार फ्रूट, ये सब इम्पोर्टेंट फ्रूट हैं जो होते ही होते हैं। मूली, हल्दी, ये सब इम्पोर्टेंट फ्रूट हैं, इसके बगैर छठ पूजा नहीं होता है। और बाकी के फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अनार और ये शरीफा, जितना भी केला और सेब, ये सब हैं, नींबू हैं, संतरे हैं, ये सब फ्रूट्स हैं जो अपनी मर्ज़ी से खरीदे जाते हैं, उसके बगैर पूजा हो सकता है। और ये सभी को प्रसाद के रूप में काट कर सभी लोगों को दिया जाता है। और प्रसाद के रूप में ये लड़ुआ दिया जाता है और इस तरह से ठेकुआ। इसके बगैर, ये लड़ुआ और ठेकुआ के बगैर छठ पूजा अधूरा रहता है। ये लंबा ठेकुआ और गोल ठेकुआ बनाया जाता है। लंबा ठेकुआ सिर्फ और सिर्फ छठ में बनाया जाता है, गोल ठेकुआ कभी भी बनाकर खाया जाता है। ये सभी छठ पूजे के तीसरे और चौथे दिन का प्रसाद है। और चौथे दिन का पूजा हो जाता है जब सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ये फल को सभी में बांटा जाता है। प्रसाद को खाने के बाद जो भोजन जो होता है, वो प्रसाद भी होता है, वो खाया जाता है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है। इम्पोर्टेंट फल अलग होता है जो रहता ही रहता है, चाहे उसे को लोग खाएँ या ना खाएँ। और बाकी के फल जो सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जैसे ये स्टार फ्रूट सभी लोग नहीं खाते हैं और ये शरीफा, ये सब सभी लोग नहीं खाते हैं। हल्दी, इस तरह का पत्ता वाला, ये लोग सभी लोग नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी इसमें होना ही होना है। फ्रेंड्स, फल वाले प्रसाद के साथ साथ ये प्रसाद भी होता है जो घाट पे पूजा होने के बाद दिया जाता है। ये चाय की तरह दिख रहा है लेकिन ये चाय नहीं है, ये पानी है। पानी में चीनी डाला हुआ है, उसके साथ साथ इसमें घी डाला रहता है, नींबू डाला रहता है और उसके साथ साथ इसमें डाला रहता है काली मिर्च। इसकी वजह से इसका कलर ऐसा होता है, इसे पिया जाता है। जो पूजा करते हैं वो पी लेते हैं, उसके बाद ये सभी को दिया जाता है। और जो फल हम आपको बताए हैं वो भी, फ्रेंड्स, वो सभी प्रसाद खाने के बाद ये प्रसाद खाया जाता है। ये प्रसाद सात्विक होता है, इसमें किसी प्रकार का लहसुन या प्याज नहीं होता है, लेकिन लाल रंग का प्रयोग होता है। पहले दिन सब कुछ हरे रंग का, हरा मिर्च, हरा धनिया, सब कुछ इस्तेमाल होता है, लेकिन आज लाल रंग का सभी चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंगन, आलू, टमाटर, जो भी चीज़ लाल रंग का सब्जी होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट होता है इस प्रसाद में, ये है लाल साग, ये इम्पोर्टेंट है। ये कोहड़ा की सब्जी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये बैंगन की सब्जी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उड़ीद का बड़ी होता है और बैंगन की सब्जी होती है, ये तीनों इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ साथ कढ़ी और बड़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये चावल इम्पोर्टेंट होता है। ये सब्जी अपनी मर्ज़ी से बनाई जाती है, इसकी जगह पर आप कोई भी सब्जी बनता है। ये गोभी और आलू की सब्जी है, इसकी जगह पे कोई भी सब्जी बनाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और ये है कद्दू का पकौड़ा, ये है बैंगन का पकौड़ा और ये पोई का पत्ता का पकौड़ा, ये औषधीय पौधा होता है। और ये है आलू का पकौड़ा, ये है चने का पकौड़ा, ब्राउन चने का, और ये गोभी का पकौड़ा है। और ये कचड़ी, जिसे पकौड़ा कहा जाता है, चने के दाल का। ये सभी सामग्रियाँ प्रसाद में खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइए वीडियो के जरिए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा, आप हमें बताइए कमेंट के जरिए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान जाए कि छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।